महाराष्ट्र के अकोला से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जिले की उरल पुलिस पर फायरिंग हो रही है। घटना के बाद मौके से फरार हुए हैं बदमाश। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बता दें कि करीब 2 बजे रात की यह घटना बताई जा रही है, जब पुलिस पर फायरिंग हुई है। तो अकोला जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जिले की उरल पुलिस पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस के जवानों पर फायरिंग की है। बाल बाल बचे हैं पुलिस के 2 जवान जिन पर फायरिंग की गई है। और घटना के बाद पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी शुरू कर दी है। धरपकड़ आरोपियों की जा रही है, और फायरिंग का कारण अभी पता नहीं चल पाया है किन कारणों से फायरिंग की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें अकोला से, जहां पर अकोला पुलिस पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग करने का कारण क्या रहा है, क्या कुछ मसला रहा, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद मौके से बदमाश फरार हो चुके हैं, और ये घटना रात करीब 2 बजे की आसपास की बताई जा रही है, जब पुलिस के जवानों पर फायरिंग हुई है। तो अकोला जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जिले के उरल पुलिस पर फायरिंग हुई है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है, और बाल बाल बचे हैं पुलिस के 2 जवान जिन पर फायरिंग की गई है। और घटना के बाद पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी शुरू कर दी है। आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस हरकत में आई, फायरिंग करने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है किन कारणों से फायरिंग हुई है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है, और घटना के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद आरोपी भाग निकले, और ये पूरी घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। तो अकोला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां जिले की उरल पुलिस पर फायरिंग की घटना सामने आई है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। बाल बाल बचे हैं पुलिस के जवान इस फायरिंग में, बड़ी खबर आपको बता दें। और घटना के बाद पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी शुरू कर दी है। आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है पुलिस ने, और फायरिंग का क्या कुछ मामला रहा, क्या कुछ कारण रहा, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।